मुझे एक बात जाननी है, ये गाने को हिट होने में इतना मुश्किल नहीं हुई, लेकिन जब ये गाना बन रहा था तो वो कहानी क्या है? इस गाने में जो एक रिलेशनशिप है, जो मुझे पता ही नहीं था, दिस वाज ऐश्वर्या एंड रणबीर, इनकी अपने रूल्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, राइट? एंड उसको समझना, सो आई थिंक द क्रिएटर्स ऑफ दिस, प्रीतम एंड अमिताभ, आई मीन द क्रिएटर्स आर एक्सेलेंट. आई थिंक द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट आई हैव वर्कड विथ एंड इट्स माई प्रिविलेज. एंड जो अमिताभ ने इसमें एक रिलेशनशिप के डायनामिक्स इसमें जो बताए हैं, क्योंकि जिस दिन से आशना से दो अजनबी हुए, लोग मिल करके आशना होते हैं यहाँ, राइट? यू हैव योर ओन रूल. सो बहुत मुश्किल है इसको समझना, और इसको ऑलमोस्ट हमने 1.5 साल लगे इसको फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ यू गो टू द स्टूडियो एंड यू फिनिश अ सॉन्ग, बट ये गाना वो आसान गानों में से नहीं था जो हम, आई थिंक आई वेंट इन 3 or 4 times एंड, बट ट्रस्ट मी, आज परफॉर्म करके लगता है कि जो मेहनत आप डालते हो ना गाने में, ये लोग सारे उसको मुकम्मल करते हैं. सो इट्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइज़.